चैनपुर प्रखंड अंतर्गत चौरठ पंचायत के संत इग्नासियस विद्यालय कुंडपानी में छात्र छात्राओं से स्कॉलरशिप एवं साइकिल दिलाने के नाम पर सहयोग राशि लिया जाता है। इसके संबंध में कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। कितना मिला था आपको? 660। 660 रुपये में कितना लिया गया? 40 रुपया। क्या कह करके लिया गया? सहयोग राशि। किसके द्वारा? मैडम बेनेडिक्ट का के द्वारा। वो पैसा कहाँ दिया गया? ब्लॉक में। क्यों दिया गया? पता नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर करीब करीब 2009 में आया हूँ। उससे पहले भी बहुत सारे हेडमास्टर थे और ये भी सुनने में आया कि उन लोग के टाइम में भी ये चीज़ लिया जाता था। यही कहा जाता है कि वहाँ कल्याण विभाग से, जैसे छात्रवृत्ति के लिए भी कल्याण विभाग से उनका पदाधिकारी मांगते हैं, और साथ ही साथ साइकिल के लिए भी वो 300 रुपया के इस प्रकार से मांग करते हैं। इसलिए यदि आप नहीं देंगे तो इतना साइकिल नहीं मिलेगा, या तो आपको छात्रवृत्ति कम लोगों को दिया जाएगा, और इस प्रकार से परेशान करते हैं, यानी कि लेट लतीफ करते हैं, या तो नहीं देते हैं तो कई बार दौड़ाते हैं, मजबूर होकर कई बार हम लोग को देना ही पड़ता है। और खाना में आप लोग क्या क्या मिलता है? दाल भात सब्जी मिलता है, और महीना में एक बार अंडा। महीने में एक अंडा? अंडा के सप्ताह में एक बार अंडा? महीना में एक बार अंडा भी मिलता है, उसके लिए भी लड़ाई होता है। ऐसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर एवं साइकिल दिलाने के नाम पर सहयोग राशि लिया जाता है, या प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा शिक्षिका के माध्यम से लिया जाता है। इसके खिलाफ में आप लोग सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, मोबाइल नंबर 0754-4950-94-30 पर कॉल करके प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर महोदया को कॉल करके अविलंब दबाव बनाएं ताकि यह भ्रष्टाचार रुके। मैं लगुड़िया पलामू झारखंड से, सामुदायिक संवाददाता इंडिया नाट के लिए।